इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फ्री ट्रेड पॉलिसी एक्सप्लेन द आर्गुमेंट्स इन फेवर दैट मींस एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी और फिर डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी क्या है और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या है और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अब ये दो क्वेश्चन है तो दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटी के पेपर में हंड्रेड एंड वन परसेंट क्वेश्चन आएगा या तो फिर फ्री ट्रेड पॉलिसी आए या फिर प्रोटेक्निस्टिक और प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी वो दोनों में से कोई एक तो पूछेगा ही पूछेगा हंड्रेड एंड वन परसेंट तो ये दोनों क्वेश्चन पढ़ना हमारे लिए जो है बहुत ज़रूरी है और बहुत ईजी भी है इससे फर्स्ट लेक्चर में इसलिए जो है सेकेंड मॉड्यूल से स्टार्ट किया सो so दैट आपको फिफ्टी परसेंट जो सिलेबस है वो आपको चार से पाँच वीडियो में कवर हो जाए मतलब आप दो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में आ जाएगा ठीक है सो आई एम श्योर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूंगा इकोनॉमिक्स का और बाकी अदर सब्जेक्ट्स का तो चेक कर लीजिएगा सो so, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होता है अब फ्री ट्रेड पॉलिसी डिस्कस करने से पहले हमको समझना है कॉमर्स ये जो चैप्टर है ये है दैट इज कॉमर्शियल ट्रेड पॉलिसी और कॉमर्शियल हाँ कॉमर्शियल पॉलिसी भी बोलते हैं और ट्रेड पॉलिसी या इसको हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बोलते हैं अब ये कॉमर्शियल पॉलिसी क्या होता है अब कॉमर्शियल पॉलिसी में जैसे मान लीजिए एक एक्सपोर्ट होता है दूसरा इम्पोर्ट होता है तो अब यहाँ पे जैसे ए कंट्री है और कंट्री बी है अब ये कंट्री और बी कंट्री एक दूसरे से क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रेड हो रहा है क्या हो रहा है ट्रेड कौन सा ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड तो उस केस में जो है ये दोनों कंट्री के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे क्या पॉलिसीज़ होंगे वो जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमर्शियल पॉलिसी सो कॉमर्शियल पॉलिसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरन ट्रेड पॉलिसी जिसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है एंड ये कौन डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्या करते हैं पॉलिसीज़ बनाते हैं सो दैट एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में जो है एक गुड रिलेशन मेंटेन कर सके विद द हेल्प ऑफ ट्रेड फ्री ट्रेड कर सके एक इकोनॉमी को दूसरे इकॉनमी को सपोर्ट कर सके ठीक है एक दूसरे को सो बेसिकली कॉमर्शियल ट्रेड पॉलिसी सो आई होप यू अंडरस्टैंड बॉट इज कॉमर्शियल पॉलिसी कॉमर्शियल पॉलिसी बेसिकली क्या होता है ट्रेड पॉलिसी होता है जिसको फॉरिन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं कौन बनाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज ठीक है बिटवीन दी नेशंस अब ये कॉमर्शियल पॉलिसी के दो टाइप्स है कॉमर्शियल पॉलिसी के दो टाइप्स है एक है फ्री ट्रेड पॉलिसी दूसरा जो है वो प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी कौन सा पॉलिसी प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी अब ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे अब कॉमर्शियल ट्रेड पॉलिसी क्या होता है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं तो कॉमर्शियल ट्रेड पॉलिसी क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ठीक है जहाँ पे जब दो कंट्री के बीच में तो उसमें एक पॉलिसीज टर्म्स एंड ट्रेड बनाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्या करता है टर्म्स एंड ट्रेड और रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज बनाता है ट्रेड करने के लिए बिटवीन द नेशंस तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉमर्शियल पॉलिसी अब कॉमर्शियल ट्रेड पॉलिसी में दो टाइप्स के हैं एक फ्री ट्रेड पॉलिसी है और एक प्रोटक्शन ट्रेड पॉलिसी है एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का हम लोग पढ़ रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इन्वॉल्व होगा इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया ठीक है सो आई होप आपको ये समझा होगा बेसिक कि कॉमर्शियल ट्रेड पॉलिसी क्या है उसके दो टाइप्स हैं फ्री ट्रेड अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे फ्री ट्रेड अब फ्री ट्रेड मतलब क्या होता है देखो फ्री बेसिकली क्या हो गया एक तरीके का लिबरल हो गया दैट मीन्स देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ठीक है अब फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस मोमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन दी कंट्रीज तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लीजिए ए कंट्री है और ये बी कंट्री है अब ये ए कंट्री यूएसए है और एंट बी कंट्री कौन सी है इंडिया कंट्री है अब ये दोनों नेशन के बीच में क्या हो रहा है फ्री ट्रेड हो रहा है ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन दैट विल बी कॉल्ड एज अ फ्री ट्रेड पॉलिसी ठीक है इन अदर वर्ड फ्री ट्रेड पॉलिसी मीन्स अब देखो ये मैंने क्यों दिया सो so दैट आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप ये वीडियो को पॉज करके नोट्स भी लिख सकते हैं ठीक है सेम चीज इन अदर वर्ड फ्री ट्रेड पॉलिसी मीन्स कंप्लीट फ्रीडम ऑफ़ द इंटरनेशनल विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन सच सजेस्ट टैरिफ कोई टैरिफ नहीं होता टैरिफ मतलब क्या होता है टैक्स तो यहाँ पे जो ड्यूटीज़ होते हैं ठीक है कस्टम ड्यूटीज और टैक्स वो नहीं चार्ज फ्री कर देना ठीक है कोटा सिस्टम जो होता है कि भाई एक रिस्ट्रिक्शन लगा देना लिमिट लगा देना कि आप इतना ही क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हो इतना ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो वो कोटा सिस्टम उसको हम लोग बोलते हैं वो भी क्या करना हटा देना एक्सचेंज कंट्रोल जो होता है वो भी क्या कर देना खत्म कर देना सो so बेसिकली क्या होता है एक तरीके का फुल फ्रीडम दे देना जिससे क्या हो जाए बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके ठीक है बाकी यहाँ पे डेफिनेशन दिया है तो डेफिनेशन में से आपको जो इजी लगे वो एक डेफिनेशन लिख सकते हो सो आई होप यू अंडरस्टैंड वट इज़ फ्री ट्रेड पॉलिसी सो इन शॉर्ट फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होता है दैर मीन देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस वैन देर इज अ ट्रेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिटवीन द नेशंस और टू नेशंस और मोर देन टू नेशंस ओके अब एक चीज़ और यहाँ पे समझना है ये थेरेटिकल है प्रैक्टिकली एक्चुअल में ऐसा नहीं होता फ्री ट्रेड पॉलिसी क्यों नहीं होता है उसका रीज़न मैं में मान लीजिए जैसे इंडिया है एंड यू अब दोनों के बीच में फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं होता है क्यों क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसको प्रोटेक्शन जैसे डिफेंस सेक्टर्स है तो उसमें क्या होगा फ्री ट्रेड अलाउड नहीं होगा ठीक है तो वहाँ पर प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी आ जाता है तो या तो फिर जो है कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जिसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगा चार्ज करता है टैक्स जो है ड्यूटीज़ लगाता है राइट तो फ्री ट्रेड बेसिकली थेरेटिकल है बट प्रैक्टिकली में ये चीज़ उतना अप्लीकेबल नहीं है क्यों क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुड्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करता है कुछ ना कुछ जो है उसके ऊपर टैक्स ड्यूटीज़ लगाता है सो so दैट उसको प्रोटेक्ट कर सके ठीक है जैसे मैंने बताया आपको डिफेंस को ठीक है डिफेंस का या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है है ना और दूसरी कंट्री पे हम लोग डिपेंडेंट ना हो सके ठीक है तो ये भी चीज़ें आपको समझना चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए आपको बताया ठीक है तो फ्री ट्रेड समझा ये चीज़ें अब जो है इसके हम लोग एडवांटेजेस पढ़ेंगे अब ये मैंने जो है बुक से उठाया है तो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है तो आप इसको वन दे दीजिए ठीक है इसको दो तीन चार और पाँच आप ऐसे भी लिख सकते हो अब ये पॉइंट लिखने का क्या रीज़न है पता है आपको कि मान लीजिए एग्जाम में आप लिख रहे हो आपको पहला पॉइंट ये याद आ गया इंक्रीज इन इम्प्लॉयमेंट तो आप पहला ये पॉइंट लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो एडवांटेजेस के पॉइंट्स हैं ठीक है ये पॉइंट्स के आपको डायग्राम बनाना है ठीक है जैसे माइंड मैपिंग का डायग्राम और वो डायग्राम इंस्टाग्राम पे स्टोरी में डाल के मुझे टैग करो ठीक है या तो फिर जो है मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ वहाँ पे जो है आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखेगा उस व्हाट्सअप नंबर पर जो है आप जो डायग्राम बनाओगे वो मुझे शेयर कर दो तो अगर अच्छे डायग्राम आपके होंगे ठीक है अगर वो डा अच्छे के जितने भी डायग्राम्स रहेंगे ठीक है अगर प्रॉपर नीट एंड क्लीन है तो मैं अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा और ये नोट्स भी उसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ठीक है सो आई एम श्योर आपको जो है समझ में आ मिल जाएगा ठीक है अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन अब पहला पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अब ये हम लोग किसका पढ़ रहे हैं फ्री ट्रेड का पढ़ रहे हैं तो फ्री ट्रेड पॉलिसी की वजह से जो भी रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेज को हम लोग ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है फ्री ट्रेड देखो लिखा फ्री ट्रेड इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज अब यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारे पास नहीं है अपन इंपोर्ट कर लेंगे सो so दैट हमारा जो प्रोडक्शन हो वो हम लोग लार्ज स्केल में कर सकें एंड दिस टर्न इंक्रीज द वर्ल्ड आउटपुट मतलब जो आउटपुट है हर कंट्री का वो भी क्या हो जाएगा ग्रोथ होगा जैसे मान लीजिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है सो so हम लोग क्या करेंगे टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर लेंगे दूसरे नेशन से सो so दैट हम लोग प्रोडक्शन क्या कर सके इंक्रीज कर सके राइट right? अब इंक्रीज एंड इम्प्लॉयमेंट अब जाहिर सी बात है फ्री ट्रेड होगा अब जैसे मान लीजिए ए कंट्री है आके बी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप कर रही है तो जब बिजनेस सेटअप होगा दैट मीन्स एफ होगा तो जब एफ होगा तो इसमें क्या होगा एफ जब होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा इन्वेस्टमेंट होगा तो बिजनेस बढ़ेगा एक्सपांड होगा और जब बिजनेस एक्सपांड होगा तो लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिलेगा राइट तो इससे क्या होता है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ठीक है और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो अल्टीमेटली जब लोग डिमांड करते हैं प्रोडक्शन बढ़ता है तो अल्टीमेटली लोगों को जॉब भी क्या होता है इम्प्लॉयमेंट भी क्रिएशन होता है यहाँ पे लिखा फ्री ट्रेड इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड दिस विल जनरेट दी हायर इम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग इंक्रीज इन इनकम जब लोगों को जॉब मिलेगा तो लोगों का इनकम होगा वो लोग का सेविंग बढ़ेगा फिर वो सेविंग फिर वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा ठीक है एंड दिस हेल्प्स टू रेज बढ़ना स्टैंडर्ड लिविंग मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ मेरे पास जॉब नहीं है ठीक है मैं मै, मेरा जॉब लग गया तो अब मेरा अच्छा इनकम होने लग गया तो मेरा स्टैंडर्फ जो रहन सहन तरीका है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी क्या होगा इंप्रूव होगा तो फ्री ट्रेड की वजह से सभी लोगों का इंप्लॉयमेंट मिलेगा तो इंप्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम होगा इनकम होगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा इंप्रूवमेंट होगा अच्छा एक और चीज़ अगर आपके माइंड में कोई दूसरे पॉइंट रहे तो भी एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हो जैसा सेम टू सेम ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है यू कैन ऐड योर ओन पॉइंट्स खुद का भी पॉइंट ऐड कर सकते हो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्री ट्रेड की वजह से क्या होगा बिकम ईजी टू हम लोग क्या कर सके ट्रांसफर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी अब मान लीजिए कोई डेवलप्ड कंट्री है जैसे मान लीजिए यूएसए ठीक है तो अब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं डेवलप्ड नेशन है यूएसए इससे हम लोग क्या कर सकते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं एक्स को इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ताकि आपको समझे एम बोलेंगे तो इम्पोर्ट हम लोग क्या कर सकते हैं इम्पोर्ट कर सकते हैं किसकी वजह से इम्पोर्ट करना पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी किसकी वजह से फ्री ट्रेड पॉलिसी की वजह से जो है ईजी हो गया कोई भी टेक्नोलॉजी को हम लोग डेवलप नेशन से क्या कर सकते हैं ईजीली जो है इम्पोर्ट कर सकते हैं और उस केस में क्या होगा कि हमारी जो डेवलपिंग लाइक इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन तो अब जो है हम लोग डेवलपिंग नेशन का जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं उसका इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ कर सकते हैं राइट सो प्रोडक्शन बढ़ेगा अल्टीमेटली इकोनॉमिक का ग्रोथ भी बढ़ेगा आई होप यू आर गेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ में देखो अब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है बट इसको समझा देता हूँ मैं जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा जब हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा तब हमारा क्या होगा ग्रोथ होगा ठीक है बोलते हैं ना इकोनॉमिक का ग्रोथ हुआ जीडीपी बढ़ा तो जीडीपी किससे रिलेटेड है प्रोडक्शन से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो अल्टीमेटली जीडीपी बढ़ा और जब जीडीपी बढ़ा प्रोडक्शन बढ़ा तो अल्टीमेटली क्या होगा इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों का जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी लगेगा ठीक है अब जब लोगों का एम्प्लॉयमेंट लगेगा तो इन लोगों का इनकम भी होगा अब इनकम वो होगा तो हमारे देश का आउटपुट भी क्या होगा जैसे इम्प्लॉयमेंट हुआ तो इनकम बढ़ा और साथ में क्या बढ़ गया आउटपुट बढ़ा तो अल्टीमेटली क्या होगा इकोनॉमी का ग्रोथ होता है ठीक है और जब इनकम बढ़ा तो वो इन्वेस्ट इनकम क्या होगा लोग सेविंग करेंगे फिर बैंक लोन देगा फिर बिजनेस वापस जो है ग्रोथ करेगा राइट सो फ्री ट्रेड जो है इन्हांस ठीक है बढ़ाता है क्या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड दिस कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ द डेवलपिंग नेशंस ठीक है तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसके हेल्प करता है फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या करने के लिए इकोनॉमिक का ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे बोला है इंक्रीज इन नेशनल इनकम तो जब जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा नेशनल इनकम भी क्या होगा बढ़ेगा क्यों क्योंकि नेशनल इनकम मतलब क्या होता है टोटल मनी वैल्यू और टोटल इनकम ऑफ द नेशन कंट्री का इनकम अब कंट्री का इनकम कैसे मेजरमेंट किया जाता है जो भी हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका इनकम मेजर किया जाता है कुछ चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उससे जो नेट इनकम आता है उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कुछ हमारा जो बिज़नेस हम लोग दूसरे कंट्रीज़ में रन करते हैं ठीक है कुछ लोग बहुत सारे लोग जॉब करते हैं ठीक है कुछ सर्विसेज हम लोग सेल करते हैं कुछ हम लोग खरीदते भी हैं है ना तो उनका नेट इनकम रिसिप्ट और पेमेंट वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम क्या होगा ग्रोथ होगा अगर फ्री ट्रेड होगा क्योंकि लोगों को बिज़नेस हमारे इंडिया का लाइक इंडिया का बिज़नेस वर्ल्ड मार्केट मिलेगा जहाँ पे हम प्रोडक्ट सेल करेंगे एक्सपोर्ट से हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे ठीक है फॉरिन अर्निंग एक्सचेंज जो होता है वो इंक्रीज होगा ना बिजनेस सेटअप होगा हमारे डोमेस्टिक कंट्री में ना, तो उससे कंट्री का इनकम क्या होगा बढ़ेगा राइट अब जैसे मान लीजिए कि आ, आईफोन है एप्पल अब आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग पहले अपन इंपोर्ट करते थे ठीक है अब मान लीजिए आईफोन वाला इंडिया में ही क्या कर रहा है आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में ही आईफोन फैक्ट्री सेटअप कर दिया और मैन्युफैक्चर कर तो उससे क्या होगा उसे ये होगा कि यहाँ ही पे मैन्युफैक्चर कर रहा है ठीक है तो अल्टीमेटली उसका प्रोडक्शन जीडीपी में आ गया तो जीडीपी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इनकम भी क्या होगा बढ़ेगा राइट right? सो so, यहाँ पे बोला फ्री ट्रेड इनेबल्स मतलब हेल्प्स और बोल सकता है इनेबल्स एंड अ कंट्री इंपोर्ट द गुड्स टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम ऑफ द इम्पोर्टेड कंट्री दिस इन टर्म्स इंक्रीज इन द आउटपुट एंड प्रोमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पे एक चीज बोला है इम्पोर्टेड कंट्री ठीक है तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है राइट हमारा ही नेशनल इनकम बढ़ सक बढ़ेगा राइट सो आई होप यू आर गेटिंग फिर उसके बाद प्रमोट कॉम्पिटिशन्स अब देखो फ्री ट्रेड पॉलिसी है तो अब यहाँ पे एक कंट्री एक कंट्री नहीं है यहाँ पे बी कंट्री है सी कंट्री है डी कंट्री है मतलब ग्लोबल एक मार्केट है उसमें बहुत सारा कंट्री लोग क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं मतलब बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा कम होगा तो ये वाला पॉइंट भी आप एक अलग से सेपरेट लिख सकते हो रिड्यूस प्राइस प्राइस रिड्यूस होगा प्लस क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होगा ठीक है जॉब क्रिएशन होगा जो इनकम होगा वो प्रॉपर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा राइट right? तो यहाँ पे क्या बोला फ्री ट्रेड इनकरेज मतलब हेल्प करता है बेसिकली कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम द फॉरिन कंट्रीज एंड दिस इंक्रीज द इफिशियंसी अब जब कंपटीशन होगा तो उसमें इनोवेशन करना पड़ेगा कुछ नया चीज़ें ट्राई करना नए चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी ठीक है नया कुछ लाना पड़ेगा बिजनेस में और प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी कॉस्ट कम कर देंगे तो प्रोडक्शन इफिशियंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी राइट डोमेस्टिक का एंड द डोमेस्टिक कंट्री अडॉप्ट द क्विक एंड इम्प्रूवमेंट्स इन दिस मैथड ऑफ प्रोडक्शन्स एंड दिस विल लीड्स टू मोर प्रोडक्शन है ना जब इनोवेशन करेंगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ठीक है जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसके हिसाब से एक्सपोर्ट भी क्या करेंगे ज़्यादा करेंगे दिस विल ट मोर प्रोफिट राइट इससे क्या होता है अभी इसमें बोला इकोनॉमिक एक इफिसियंसी और इंक्रीज इन इकोनॉमिक इफिसियंसी अब जाहिर सी बात है जैसे मान लीजिए हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको अगर हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज करें ऑप्टीमली यूटिलाइज करें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन ज़्यादा कर, कर सकते हैं और जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा इफिशियंसी क्या होगा इंक्रीज होगा इफिशियंसी देट मीन्स इंक्रीजिंग दी प्रोडक्शंस ऑप्टीमल ऑप्टीमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर अलॉकेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट इज कॉल्ड एज इफिशियंसी राइट तो इफिसियंसी अगर होगा तो अल्टीमेटली इंक्रीज होगा कि नहीं होगा इकोनॉमिक का कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक इफिशियंसी इंक्रीज होगा एंड दैट विलीज टू दी डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी राइट ये रिड्यूस प्राइस फ्री ट्रेड की वजह से क्या होता है जब कंपटीशन होता है अल्टीमेटली क्या होता है कि कंपटीशन के जो प्राइजेस होते हैं क्या होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं राइट जो चीज़ें आप एक कंट्री आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन सस्ते में प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है अब जैसे इंडिया जो प्रोडक्ट बना रहा था पचास रुपये में अब फ्री ट्रेड की वजह चाइना जो है वही सेम प्रोडक्ट जो है बीस रुपये में बनाने लग गया ठीक है बाकी दूसरी कंट्री और कॉम्पटिशन करने के लिए वो लोग भी सेम प्राइस पर बेचने लग गए तो जब कॉम्पिटिशन हुआ तो सेम प्राइस पर आ गया तो अल्टीमेटली क्या होगा प्राइस कम हो गया और इसका किसको बेनिफिट मिलेगा कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा ठीक है अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे चॉइज़ मिलेंगे है ना ये बोला है प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर तो इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या होता है बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इनकम होता है जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्रन्योर्स तो उसका प्रॉपर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना जैसे एक प्लेस है उसका सही यूटिलाइज होगा तो दैट विल गेट द रेंट वेजेस लेबर है तो वेजेस है तो वो इकोनॉमिक वेलफेयर में आ जाता है ठीक है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द ट्रेड फ्री ट्रेड के अंदर क्या फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या होता है गवर्नमेंट का कम इंटरवेंशन होता है तो अब देखो एक पॉइंट दो तीन चार पांच उसके बाद फिर छः सात आठ नौ दस टोटल कितने पॉइंट दस पॉइंट हैं तो क्या सर एग्जामिनेशन में दस पॉइंट लिखना जरूरी है क्या आई विल से नो या तो सेवन मार्क्स करेगा या तो एट मार्क्स काेगा मतलब मैक्सिमम कितना पॉइंट लिखने का एट पॉइंट्स ही लिखने का सात मार्क का क्वेश्चन है या आठ मार्क का क्वेश्चन आठ पॉइंट्स लिखा दो मार्क्स का मीनिंग पे तो हो गया ना ठीक है मीनिंग लिख दिया इंट्रोडक्शन लिख दिया है ठीक है तो दो मार्क्स तो अल्टीमेटली क्या है मैक्स टू तो मैक्स आठ पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करो और दो मार्क्स का मीनिंग रहता है मीनिंग लिख दो सर तो सारे पॉइंट के तो डायग्राम जो बनाओगे ना माइंड मैप का ठीक है वो डायग्राम के अंदर क्या करना ये सारे पॉइंट्स कवर कर देना बट एक्सप्लेन कम करना ठीक है सो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ठीक है वीडियो को पॉज करके स्लो में आप देख लीजिएगा ठीक है अब उसके हम लोग कौन डिस्कस करने वाले दैट इज़ डिसएडवांटेज एडवांटेज अब फ्री ट्रेड है तो इससे इतना सारा बेनिफिट हुआ ठीक है अब हमको इकोनॉमिक का ग्रोथ हो रहा है कॉम्पिटन बढ़ रहा है प्राइस कम हो रहा है हमारे कंट्रीज का यूटिलाइजेशन रिसोर्स का ऑप्टिम यूटिलाइजेशन हो रहा है ठीक है हम लोग कंट्री में इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी हम लोग कर रहे हैं इकनॉमिक ग्रोथ हो रहा है नेशनल इनकम बढ़ रहा है ये सब हो रहा है तो इसके नुकसान क्या है सबसे पहला अनहेल्दी कॉम्पिटिशन मतलब जो कॉम्पिटिशन है वो अनहेल्दी क्यों अब देखो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन क्या होता है अब बहुत सारे कंपनीज जो है कंपटीशन कर रहे हैं तो अब क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए क्या कर सकते हैं वो लोग दे कैन प्रोड्यूस दे कैन यूज़ जो है वो रिसो कम से कम प्रोडक्शन जिससे क्या होगा कि बाकी के जो बिजनेस होंगे उनको इफेक्ट होगा ठीक है अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे फ्री ट्रेड लीड्स टू अनफेयर एंड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन दी एडवांस्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अब जो एडवांस कंट्री है उनके पास तो सारी टेक्नोलॉजी है वो लोग तो आराम से इजिली कॉम्पिटिट कर सकते हैं लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उनके पास तो नहीं है एडवांस टेक्नोलॉजी तो वो क्या हो जाएगा उनके लिए जो है निगेटिव पॉइंट बन जाएगा राइट right? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया फ्री ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश फ्री ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रूव दैट वन टाइम फ्लरिशिंग द इंडस्ट्री हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का इंडिया का जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री था वेर कम्पलीटली वाइप्ड आउट ड्यू टू द फॉरेन कंपटीशन फॉरेन कंपटीशन की वजह से जो ये ब्रिटिश का जो इंडिया फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाया था उसकी वजह से क्या हुआ हैंडक्राफ्ट का पूरा ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया तो ये क्या हुआ एक फ्री ट्रेड की वजह से इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हुआ राइट right? तो ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है ना फिर तो उसके बाद जो है अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड अब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड बेसिकली एक रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होता है और अगर ये इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से देखें तो एक एक्सचेंज रेट भी होता है ठीक है बट यहाँ पे हम लोग टर्म्स एंड ट्रेड बोलेंगे भाई जो भी एक्सचेंज रेट या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं ठीक है या पॉलिसीज होते हैं बिटवीन दी नेशंस तो अब इसमें जैसे दो नेशन आता है एक होता है डेवलपिंग नेशंस एक होता है डेवलप्ड नेशन अब ये जो डेवलप्ड नेशन है इसका क्या होगा ये कैपेबल बहुत रहेगा प्रोडक्शन लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकता है ठीक है लार्ज स्केल्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है ठीक है इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है लेकिन एक जो अंडर डेवलप्ड नेशन है जो अंडर डेवलप्ड नेशन है जो जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है जो कैपेबल स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अब मुझे आप बताओ कि डेवलप नेशन के लिए तो फ्री ट्रेड पॉलिसी अप्लीकेबल है कैसे जैसे मान लीजिए यूएसए है ठीक है और इंडिया है अब यूएसए के पास ढेर सारा टेक् मतलब टेक्नोलॉजी का भंडार है ठीक है और अपने इंडिया के पास नहीं है तो अब क्या करेगा यूएसए वाला अगर ये फ्री ट्रेड अपना लेता है तो ये यूएस वाला इंडिया में क्या करेगा पूरी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देगा मतलब अपना इंडिया पूरा किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा यूएस पे डिपेंडेंट हो जाएगा टेक्नोलॉजी के मामले में राइट तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा ठीक है उसकी वजह से क्या होता है कि कंट्री को जो डेवलप नेशन है उसको तो ये तो एक्सपोर्ट कर रहा फायदा हो रहा है लेकिन ये इंपोर्ट कर रहा है तो नुकसान हो रहा है राइट तो ये बोल रहा है कि डेवलप जो एडवांटेजेस होता, होता? होता है मोर एडवांटेजेस टू द डेवलप कंट्रीज बट डिसएडवांटेजेस टू दी अंडर डेवलप कंट्रीज ड्यू टू अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड अंडर फ्री ट्रेड गेन्स ऑफ ट्रेड आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू दैट अन इक्वल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट्स कंट्रीज इसमें क्या होता है अनफेरेबल होता है सो आई होप यू आर गेटिंग फिर अनफेरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये अनफेरेबल क्यों है फ्री ट्रेड सर अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है ठीक है एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है अब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा क्या होता है रिसिप्ट बढ़ता है मतलब हमको इनफ्लो पैसा आता है और इम्पोर्ट करते हैं तो हमारा पेमेंट होता है अब मान लीजिए हमने रिसिप्ट क्या किया हंड्रेड करोड़ का जनरेट किया और पेमेंट टू हंड्रेड करोड़ का कर दिया क्यों सर क्योंकि हम लोग फ्री ट्रेड था तो हम लोग ने इम्पोर्ट क्या कर लिया ज़्यादा कर लिया फ्री ट्रेड में ठीक है एक्सपोर्ट नहीं हुआ कम हुआ तो अब हमारा रिस्क क्या हो गया माइनस में चला गया हंड्रेड करोड़ किसमें हंड्रेड करोड़ पेमेंट अपने को करना है ठीक है तो माइनस में हो गया तो अब मुझे बताओ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट मींस रिकॉर्डिंग ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ठीक है थीके? उसका रिकॉर्ड रखता है जिसमें कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ठीक है गुड्स के जो मर्चेंट अकाउंट्स जो होते हैं फिर वो सब का जो है उसकी वजह से अब मुझे बताओ कि इसमें कम हो गया है और पेमेंट ज्यादा हो गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस होगा अनबैलेंस हो जाएगा तो अब ये कंट्री के लिए क्या है नुकसान है क्योंकि इनफ्लो कम हो रहा है आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है।, है ना तो ये बताया कि फ्री ट्रेड लीड्स टू अनफेरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इन दी डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू एक्सेस इंपोर्ट्स एंड लिमिटेड एक्सपोर्ट अंडरस्टूड रिड्यूस द टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का भी नुकसान है क्योंकि फ्री ट्रेड पॉलिसी में तो टैक्स तो चार्ज कर ही नहीं रहा है फ्री ट्रेड कर दिया है सो देर विल भी नो टैक्स टेरिफ है ही नहीं कुछ भी तो so गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो टैक्स से जनरेट हो रहा है वो भी क्या होगा कम होगा या होगा ही नहीं फ्री ट्रेड मीन्स अपसेंस ऑफ टैक्स दैट मीन्स अपसेंस नो टैक्स एज देर इज अ नो टैक्स देर इज अ नो रेवेन्यू टू दंट्री एंड दिस फर्दर इफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू से पैसा मिलता है वही पैसा क्या करता है एक्सपेंडिचर करता है अब जब इनकम ही नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक का ग्रोथ क्या होगा स्टॉप करेगा राइट किल इन्फेंट इंडस्ट्री इन्फेंट मतलब होता है जो न्यूली ओपन इंडस्ट्रीज होते हैं ठीक है उसको इन्फेंट बोलते हैं किल करना मतलब जो न्यूली ओपन इंडस्ट्रीज है उसको खत्म कर देना कैसे खत्म कर देना जैसे मान लीजिए कि फ्री ट्रेड पॉलिसी है ठीक है अब यहाँ पे आप देख रहे हो फ्री ट्रेड पॉलिसी है तो फ्री ट्रेड पॉलिसी में कंपटीशन किससे हो रहा है फॉरेन कंपनी से हो रहा है और फॉरेन कंपनी क्या है डेवलप्ड नेशन है अब मुझे बताओ जब डेवलप्ड नेशन से फॉरेन कंट्री बड़े बड़े लार्ज स्केल पे कंपनी वेल इस्टैब्लिश पुरानी कंपनी जो है ठीक है वेल well इस्टैब्लिश पूरा अच्छे से रन करें अगर उनसे कॉम्पटिशन होगा डोमेस्टिक मार्केट का तो डोमेस्टिक मार्केट की जो कंपनी है फॉरेन से कॉम्पिटिट कर पाएगी सर क्यों नहीं कर पाएगी जैसे एग्जाम्पल के तौर तो पर अब जो है एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग कंट्री बी ले लेते हैं चाइना ले, ले लीजिए एग्जाम्पल ये ए कंट्री है अब ए तो है इंडिया है ठीक है और ये चाइना कंट्री है अब जो है मान लीजिए इंडिया में इंडस्ट्री इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो पचास रुपये का प्रोडक्ट बना रही है और चाइना वाला अब दस रुपये का प्रोडक्ट जो है बना रहा है वही सेम प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ए हम लोग ले लेते हैं ठीक है प्रोडक्ट यहाँ पे जो है प्रोडक्ट 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 ए ए ए अब A है इसका मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में हो रहा है इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडिया की जो कर रहे, वो पचास रुपए का बना रही है और वही सेम माल चाइना दस रुपए में बना रहा है तो अब क्या करेंगे यहां पे इंडिया क्या करेगा इंपोर्ट करने लग जाएगा क्योंकि ये दस रुपए में बन रहे ना तो जब दस रुपए में हो रहा है तो कॉम्पिटिशन देखो तो अब यहां से माल खरीदेगा यहां से लोग माल खरीदेगा नहीं खरीदेगा राइट क्योंकि पचास रुपए का ये सेम माल दस रुपए का मिल रहा है तो अब इससे क्या होगा जो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी है वो क्या होगी खत्म हो जाएगी राइट right? तो दैट इज स्किल इन्फेंट इंडस्ट्री सो आई होप यू आर गेटिंग ठीक है एक और है इसमें डंपिंग भी होता है ठीक है डंपिंग क्यों होता है डंपिंग मतलब क्या होता है देखो यहां पे लिखा है मैं आपको बता रहा हूं ठीक है दिस ऑकर वेन अ कंट्री एक्सप्रेस एक्सेस प्रोडक्शंस देखो डिस्पोज द सेलिंग सेलिंग दम एट लोअर प्राइस इन दॉरेन मार्केट डंपिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए कंट्री है ए कंट्री जो है डोमेस्टिक मार्केट में उसका रेट पचास रुपये का है ठीक है और वो फॉरेन मार्केट में बीस रुपये का बेच रही है तो वो क्या होता है डंपिंग होता है क्या होता है डंपिंग? अब डंपिंग होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि नेशन को नुकसान होगा क्यों क्योंकि कम माल बिकेगा तो उसमें इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा ठीक है और अल्टीमेटली क्या होगा जब इंपोर्टेड ज़्यादा हो जाएगा तो रिसिप्ट कम हो जाएगा पेमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो कंट्री को इफेक्ट करेगा राइट तो इसके लिए क्या होता है डंपिंग कैन बी हार्मफुल टू दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन द इम्पोर्टिंग कंट्री मतलब अगर इंडिया जो कंट्री इम्पोर्ट कर रहा है क्यों इम्पोर्ट कर रहा है क्योंकि उसको कम सस्ते भाव में मिल रहा है राइट तो उससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको तो खत्म हो जाएगा उस कंट्री का ठीक है जैसे इंडिया कुछ माल अगर बाहर से मंगा रहा है वो सस्ते में मिल रहा है तो अल्टीमेटली इंडिया का ही पूरा क्या होगा डोमेस्टिक मार्केट इफेक्ट होगा राइट तो डोमेस्टिक के जो प्रोड्यूसर हैं वो लोग का नुकसान होगा क्यों क्योंकि अपन डोमेस्टिक से नहीं खरीद रहे अपन बाहर से खरीद रहे क्यों बाहर से खरीद रहे क्योंकि अपने को लोअर प्राइस में मिल रहा है अंडरस्टूड तो डंपिंग करना मतलब क्या करना डोमेस्टिक प्राइस से जो है कम प्राइस में क्या करना इम्पोर्ट जो है डोमेस्टिक प्राइस से कम प्राइस में सेल करना है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट का भी होता है जैसे मान लीजिए अपना नेशन में अपन पचास रुपये का बेच रहे हैं फॉरन कंट्रीज में ट्वेंटी का तो अल्टीमेटली क्या होगा डोमेस्टिक के सप्लाई को भी क्या होगा इफेक्ट होगा तो डोमेस्टिक के सप्लाई को जो प्रोड्यूसर हैं उनका फ़ायदा क्या होगा कम होगा प्रॉफिट तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो राइट और फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो जो मैंने बताया कि जैसे डोमेस्टिक जब जो है इसमें फ्री ट्रेड हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो किल इन्फेंट इंडस्ट्रीज वाला एक्सप्लेनेशन है इसमें आप लिख सकते हो ठीक है तो ये भी एक पॉइंट है एक दो फिर उसके बाद यहाँ पे तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ और सात टोटल सेवन पॉइंट्स से, हैं ठीक है तो मीनिंग के साथ अगर आप लिखोगे तो यू विल गेट फुल ऑन फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये समझा रहेगा तो एक फीडबैक लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और अगर इस पॉइंट के डायग्राम्स आप बनाए हैं तो मुझे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पर टैग कर दीजिएगा स्टोरी में ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी ओके